नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद जिले की प्रमुख खबरों की। अब एक लाइसेंस पर रख सकेंगे सिर्फ दो हथियार, अब तक तीन हथियार रखने के थे अधिकार, अब तीसरा हथियार 13 दिसंबर तक थाने में जमा कराना अनिवार्य। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने जारी किए विशेष आदेश। आमेट के लोडियाना में चारभुजनाथ मंदिर परिसर में रामधुन का आयोजन, ग्रामवासियों ने किया जमकर नृत्य। इस दौरान नगनीराम जाट, उदयराम जाट, शंकर सेन, जंपालाल जाट, गोपीराम आमेटा, अंबालाल सहित सैकड़ों की तादाद में लोग थे मौजूद। गाटा की नाल में महाकाल सेना के कार्यकर्ताओं ने 101 दीपक जलाकर मनाया अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास का जश्न। सेना संस्थापक धीरज जोशी, अध्यक्ष गोपाल सिंह, प्रकाश रेबारी, रतन रेबारी, अभय सिंह, लाल सिंह, कालूराम आदि थे मौजूद। राजसमंद जिले में 16 नए पॉजिटिव, 7 लोग कोरोना को हराकर हुए स्वस्थ। नाथद्वारा के गोपालपुरा निवासी 65 वर्षीय एक और वृद्ध ने कोरोना से तोड़ा दम। 29 जुलाई को आया था पॉजिटिव, वह डायबिटीज व हाइपरटेंशन बीमारी से भी था ग्रसित। अब राजसमंद जिले में कुल पॉजिटिव 698, जिसमें से 550 लोग स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। 2001 सैंपल की जांच रिपोर्ट आनी बाकी। अब जिले में सक्रिय पॉजिटिव 104। खटामला में बनाई रंगोली, कार सेवक राम सिंह चुंडावत का किया सम्मान। श्री राम सर्कल पर 31 फीट भगवा ध्वज फहराया, 551 दीपक जलाकर श्री राम के लगाए जयकारे। कार्यक्रम में विधायक किरण माहेश्वरी, कार सेवक राम सिंह चुंडावत, सरपंच हिम्मत सिंह चुंडावत, प्रकाश पालीवाल, महेंद्र कोठारी अपेक्ष, भामसा नाथू सिंह चौहान थे मौजूद। केलवा में एक साथ फिर आए 3 पॉजिटिव, आदेश से ज्यादा केलवा कस्बे में लगाया कर्फ्यू। खटीक मोहल्ले में भी लोगों की आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध। धोली बावड़ी, बिल बस्ती, अम्बावा, भुईमाली कॉलोनी, पालीवाल मोहल्ले में पहले से लगा हुआ है कर्फ्यू। बिना साइड इफेक्ट सभी मौसमी बीमारियों के स्थायी इलाज का एकमात्र स्थल श्रीजी होम्योपैथिक क्लिनिक, स्वास्तिक सिनेमा रोड, कांकरोली। राजसमंद में 14 अगस्त से शुरू होगी पैराग्लाइडिंग, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजसमंद उपखंड अधिकारी सुशील कुमार की पहल। नाथद्वारा वन कुंभलगढ़ में आने वाले पर्यटकों को करेंगे डाइवर्ट। पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना के साथ उपखंड अधिकारी ने ली विशेष बैठक। नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा व पैराग्लाइडिंग संचालक समर्थ शर्मा सहित बड़ी तादाद में कार्मिक व अधिकारी थे मौजूद। महाराणा राज सिंह पेनोरमा का भी अधिकारियों ने किया अवलोकन। राजसमंद जिले के राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के लिए 11 अगस्त तक प्रवेश की अंतिम तारीख, ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं जमा। महाविद्यालय की वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 17 अगस्त को, 22 अगस्त तक जमा करा सकेंगे प्रवेश शुल्क। इसी तरह राजसमंद जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।